लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आईटीबीपी फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर तैनात होती है। जब भी चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो सबसे पहले आईटीबीपी से ही इनका मुकाबला होता है। ये मुकाबला जब आमने सामने चीनी सैनिक और भारतीय आईटीबीपी के जवान होते हैं तो बातचीत के तौर पर होती है। चीन बड़ी चालाकी ये दिखाता है कि वो अपनी भाषा में ही जवाब देता है, इससे संवाद सही नहीं हो पाता और वो तनाव पैदा करने का काम करने लगता है। लेकिन अब इसकी काट भी ढूंढ ली गई है। चीन को अब उसी की भाषा यानी मंदारिन, जो चीन की बोली है, उसी बोली में जवाब दी जाएगी। इसी कड़ी में भारत तक आईटीबीपी के लैंग्वेज क्लासरूम में पहुंचा, जहां चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी चल रही है। गलवान में चीन के साथ हुई खूनी झड़प के बाद से ये तय हुआ कि अब जवान चीन की मंशा क्या है उसकी बातचीत और चीनी भाषा समझकर पहले ही डिकोड कर लेंगे। मंसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में आईटीबीपी के कमांडो चीन की भाषा मंदारिन सीखते हुए दिख रहे हैं। यहां उन्हें मंदारिन लिखना, बोलना, पढ़ना सबकी ट्रेनिंग दी जा रही है। निहाओ, नमस्कार, हुई शू यानी कि पीछे हट जाइए। हमारे एरिया में अगर चीनी सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो आईटीबीपी के जवान कुछ इसी तरीके की भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा और साफ मकसद है कि चीनी सैनिक मंदारिन भाषा बोलते हैं और इसको डिकोड करना अब आईटीबीपी के पास इस समय आ चुका है। आईटीबीपी अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरीके की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे और इससे सीधे और साफ मकसद यह है कि अगर चीनी सैनिक किसी भी तरीके की चालबाजी करते हैं तो उनको किस तरीके से वहां से हटाना है, उनकी भाषा में ही उनको जवाब देना है। इस तरीके से सरकार अब कदम उठा रही है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में चीनी भाषा को सीखने के लिए आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। मैं इस वक्त मसूरी में मौजूद हूं और मसूरी में भी इसी तरीके की उनको चीनी लैंग्वेज सिखाई जा रही है। खास तरीके से इनको ये लैंग्वेज सिखाई जा रही है और अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स इनको ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस भाषा को और मजबूत करना है। पीएलए जब भी सामने आएगा तो उनको उसी भाषा में इसके जरिए जवाब दिया जाएगा। 90,000 आईटीबीपी जवान जो चीन सीमा पर तैनात हैं, उनको बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने का प्लान है। इससे पहले भी जवानों के लिए चाइनीज लैंग्वेज के कार्यक्रम लागू थे, लेकिन अब और ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से हर एक जवान को इस पाठ्यक्रम से जुड़े कोर्स को पूरा करना होगा। देखिए, भाषा तो एक सहायक होती है। जब आपने किसी दूसरे ओपोनेंट की भाषा का थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है तो उनके जेस्चर, उनके उनकी बातें समझने और उनको अपनी बात कहने के लिए आप सक्षम होते हैं, उससे स्थिति में फ़र्क तो पड़ता ही है। ये इंस्टीट्यूट, आप सही कह रहे हैं कि कुछ बेसिक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कराता है और सभी फंडामेंटल कोर्सेज में और कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज चाइनीज लैंग्वेज के हम चलाते हैं, जिससे लाभ हो रहा है। इस पाठ्यक्रम में बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स शामिल है। फोर्स के जवानों को चीनी भाषा सिखाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी के चाइनीज लैंग्वेज डिपार्टमेंट की है, जहां इससे जुड़े पाठ्यक्रम को नया रूप देने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही समय समय पर 3 से 4 महीने के जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, अब उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पाठ्यक्रम में ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग पर खासा जोर दिया जाएगा। मसूरी में जो क्लास यहाँ पर मंदारिन लैंग्वेज को सिखाने के लिए आईटीबीपी की तरफ से चल रहा है, मैं उस सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जवान हैं, हालांकि ये बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाकायदे यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो स्क्रीन पर जो भी बातें लिखी हुई होती हैं उसको बोलते रहते हैं। यहाँ आप स्क्रीन देख रहे हैं कि किस तरीके से सारा चीज़ ए बी
करके लिखा हुआ होता है और इसके जरिए ये इंस्ट्रक्टर यहाँ पर जो मौजूद हैं वो पूरी जानकारी देते रहते हैं और क्लास पूरी तरीके से इनको ये बताया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बढ़ना है। चीनी भाषा सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन ITBP के जवान इस वक्त यहाँ मसूरी में उस भाषा को सीख रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये लोग पहुँचें तो चीन की जो भाषा है उसको सीख करके उसको उसी की भाषा में जवाब दें और इनको किसी भी तरीके से पोस्टर बैनर न दिखाना पड़े। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।